जय श्री राम। आप सभी का LTV भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है। आपको बताएं, प्रथम पूज्य भगवान गणेश गणपति विनायक गौरी नंदन सिद्धि और बुद्धि के देवता। बिना गणेश जी के आशीर्वाद के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य कहा गया है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष को चतुर्थी में मनाई जाती है। इसके अलावा आपको बताएं, गणेश चतुर्थी भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी का जो मुख्य मंत्र है वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। इसके अलावा आपको बताएं, गणेश चतुर्थी का जो महत्व है, अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा की तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। आपको बताएं, एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। आपको बताएं, ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश जी हैं। इसके बाद यह कहकर माता पार्वती जो है उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है, यानी भगवान गणेश जी की, तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जैसे ही जाने वाले होते हैं तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था और माता पार्वती अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शंकर से बोलती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वे धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर पर, यानी भगवान गणेश जी के सिर के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं और भगवान शंकर उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, इसीलिए इन्हें प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है।